every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अचकनी व्लॉग्स। दिस इज मी आदित्य पटियाल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और ये देखो भाई, मेरे राइट पे भोलेनाथ जी की इतनी बड़ी जो मूर्ति है, सो ये है 26 सेक्टर और यहाँ पे है ये मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। एंड आज की वीडियो जो होने वाली है यार, ये बेसिकली मैं बता दूँ कि आज है मंडे और वैसे तो प्लान हमारा जो है वो संडे का था राइड करने का, बट इस बार जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी एंड बारिश होनी स्टार्ट होगी तो पूरा संडे जो है वो हमारा ख़राब गया। बिकॉज यार संडे ही एक ऐसा दिन होता है जब यूजुअली यू नो सारे फ्री होते हैं अपने भाई, और कोई काम में बिजी नहीं होता, कोई किसी को पर्सनल इधर उधर का काम नहीं होता, तो हम संडे को जो है वो राइड करते हैं। बट इस संडे अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया एंड ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से मैंने बाइक जो है वो राइड नहीं करी थी। सो आज लेके निकले हैं बाइक को राइड करने एंड लेट्स सी। बहुत ही प्यारा वेदर हो चुका है, कल बहुत ही घमासान बारिश हुई थी यहाँ पे चंडीगढ़ में और आज वेदर जो है वो बहुत प्लेजेंट है। अभी ऑलमोस्ट 5 बजे हैं शाम के, सो अब देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। लाइट्स पे रिएक्शन तो बहुत ही खतरनाक आते हैं। चलो जी, और आज यार थोड़ी सी हम इस राइड के ऊपर जो है वो यू नो चर्चा करेंगे, राइड पे चर्चा। आज की वीडियो का टाइटल भी यही होगा। और बात ऐसे है कि एज वी ऑल नो कि आजकल जो है सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हर कोई जो है वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, व्लॉगर बनना चाहता है, ब्लॉगर बनना चाहता है। बहुत अच्छी बात है एंड ये चीज़ यार देखो एक तरह से अच्छी भी है और बुरी भी है। बिकॉज काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं यू नो हर तरह का कंटेंट जो है वो आज के टाइम में सोशल मीडिया पे जो है अपलोड हो रहा है। कुछ अच्छा है, कुछ इन्फॉर्मेटिव है, कुछ बहुत ही बेकार है, और फिर भी लोग जो है वो देख रहे हैं। सो मैं यही बोलना चाहूँगा यार, देखो टाइम आपका है, वैल्यू आपको करनी है। एंड आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी भाई, सो घर वाले जैसे आपने सुना होगा पहले कहते थे कि भाई बुरी संगति से जो है वो दूर रहो। सो उसका मतलब ये नहीं होता था कि आपके साथ जो बच्चे हैं या आपके दोस्त हैं वो ख़राब हैं। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये होता था कि आप जो है अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करो, आपकी जो कंपनी, आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो कलीग्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आपका माइंड वेवलेंथ जो है वो मैच करे। एंड देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है और कोई फ्यूचर गोल्स नहीं है, तो आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो? जिस पोजीशन पे आप हो आप वहीं रह जाओगे। सो किसी चीज़ का ड्रीम करना, एम करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट वो ड्रीम्स को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड आपको जो है वो एकदम राइट पाथ जो है वो चूज़ करना पड़ता है। सो ये हम आ चुके हैं अभी सुखना लेक पे और यहाँ से एक छोटी सी राउंड मारते हुए चलेंगे और बातें करेंगे। सो ये मेरे सामने जो आप देख रहे हो भाई, ये है सुखना लेक चंडीगढ़ की, बहुत ही ज़्यादा फेमस, काफ़ी सारे लोग जो ये अट्रैक्शन पॉइंट है बेसिकली चंडीगढ़ का। एज यू कैन सी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, वॉक करने आते हैं, घूमने आते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था यार, आपको जो है वो खुद चूज़ करना है कि आपके साथ की कंपनी कैसी होगी। ऐसे लोग चूज़ करो जो ग्रोइंग हो, जिनके साथ आप नेक्स्ट 5 ईयर में देख पाओगे आपकी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस हुई है। बिकॉज इन द एंड हम सबको ग्रो करना है, हम सबको कुछ ना कुछ अचीव करना है, कुछ ना कुछ खरीदना है, कुछ ना कुछ बनना है। सो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके साथ आपको दिखे कि आप आने वाले टाइम में जो है प्रोग्रेस करोगे, आपको कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया देखने को मिले। क्योंकि यार एक वर्ड होता है एक्सपोजर। सो बेसिकली होता ये है, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिविटी के अराउंड रहोगे, ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करोगे जो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव या इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रही, तो वो आपके कहीं भी भाई काम नहीं आने वाली। बिकॉज वो चीज़ सिर्फ टाइम वेस्ट है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्तों।
और यार एज वी ऑल नो आज के टाइम में जो सोशल मीडिया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। एंड बहुत से भाई ऐसे होंगे यार जो अगर आप बैठ के अपने आप को एक रियलिटी चेक दोगे ना कि आप क्या कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे ऐसी टाइम पास की चीज़ें देख रहे हो जिनका कोई मतलब सिर पैर ही नहीं है। सो मैं हमेशा कहता हूँ यार अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे लोगों को सपोर्ट करो एंड ऐसी चीज़ें देखो यार जिनके साथ आपको देख के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो बेनिफिशियल हो। सो मैं जो है यार देखो एज अ प्रोफेशन यूट्यूब को नहीं करता, मेरी प्रायोरिटी लाइफ में काम करना और बाकी सब चीज़ें हैं अपनी लाइफ में ग्रो करना है। यूट्यूब मेरे लिए ऐसा है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं अपना कंटेंट डालता हूँ सो दैट मैं कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आराम से बैठ के देख पाऊँ और अपने जो ये प्रीशियस मोमेंट्स हैं उनको लिव कर पाऊँ कि क्या सब चलता था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव वीडियोस डालने का ये होता है यार कि अगर मैं कुछ ऐसा डाल पाऊँ जिससे आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ सीखने को मिले या फिर मेरी जो गलतियाँ हैं उनसे आपको सीखने को मिले कि आप वो गलतियाँ ना करो, सो दैट विल बी ग्रेट। और रिएक्शंस भाई बहुत ही क्रेजी, अपनी भूसा के सब दीवाने हैं, सही है। तो भाई भूसा के कुछ ऐसे रिएक्शन मिलते हैं, अपनी भूसा के जो है वो सब चाहने वाले हैं, ये बाइक को कोई मुड़ के ना देखे ऐसा हो नहीं सकता। ओए होए 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 मजा आ गया। सो ये आ चुका है सेक्टर 10 चंडीगढ़ का। पता नहीं भाई कैमरे में साउंड कैसी आ रही है बट भूसा बहुत ही खतरनाक पटाखे मार रही है। और ये भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में चलते हुए, और ये देखो भाई नमूने ऐसे से भी कुछ होते हैं जो बिना देखे गाड़ी पहले मोड़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि पीछे से कोई आ रहा है या नहीं। सो ऐसे से जो नमूने हैं उनसे बच के रहा करो यार। और बाइक वालों की मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, अब देखो यार मैं राइड कर रहा हूँ, मैं कॉर्नर वाली ये लेन पकड़ के अपना आराम से राइड करने लगा हूँ, काफ़ी सारे मैंने बाइकर्स ऐसे देखे हैं जिस टाइम मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ वो पता नहीं क्या सोच के भाई गाड़ी के आगे आते हैं, मतलब कोई पॉइंट बनता नहीं है। क्योंकि सबको पता है यार अगर एक बाइक पे आप जा रहे हो नॉर्मली और अगर आपके साथ कोई गाड़ी चल रही है तो वो गाड़ी वाला इजीली ओवरटेक करेगा, उसके साथ कोई मैच नहीं है, आप गाड़ी वाले के साथ कंपीट नहीं कर सकते, तो क्यों फालतू में आपको जो है वो बीच में घुसना ही घुसना है, उससे आप अपनी लाइफ को भी रिस्क देते हो यार और दूसरे के भी वो देते हो रिस्क ना। सो दैट इज़ रॉन्ग, वो मत किया करो यार। क्योंकि देखो आपको एक चीज़ बड़ी नॉर्मल सी समझनी पड़ेगी, वो ये है भाई कि अगर गाड़ी बाई चांस ठुकती भी है तो उसको तो एयरबैग बचा लेंगे, अगर बाइक पे आप ठुकते हो तो आपको तो भाई फिर भगवान ही बचा पाएगा, एयरबैग वगैरह तो है नहीं कुछ, तो ये चीज़ समझिया करो यार। सो क्रेजी रिएक्शन यार, बहुत ही क्रेजी रिएक्शन मिलते हैं लाइट या कहीं पे अगर ट्रैफिक में रुको, और कभी कभी थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है यार, मतलब जब सारे लोग आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हो या कुछ वियर्ड सी चीज़ें पूछ रहे हो तो थोड़ा अजीब भी कभी कभी लगता है, भैया क्या करें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसे ही होता है। तो एक बार यहाँ रुकते हैं थोड़ा सा और फ़ोटो वोटो ली जाए भैया, क्योंकि ये लोकेशन ज़बरदस्त है एंड फ़ोटो लेनी तो बनती है। सो यहाँ खड़ी करते हैं बाइक और एक आध जो है फ़ोटो लीजिए। सो बाकी कुछ हो ना हो भैया फ़ोटो लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये देखो भाई बाइक क्या ही सुंदर लगती है, मतलब ये कलर जो है ना बहुत ही ब्राइट है। सो चलो अब थोड़ा सा जो है बाइक पे धमाल मचाया जाए।
क्या ही ड्रैग था यार, इतने दिनों के बाद मतलब ये बाइक जब चलाते हैं ना तो बिल्कुल एकदम धमाल सा मचा देती है। एंड यही एक रीज़न है यार बाइक राइड करने का, आप अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे लाइफ की स्ट्रगल, सब चीज़ें जो भी परेशानियाँ सैडनेस सब कुछ जो है साइड रख के सिर्फ इंजॉय करते हो। सो काफ़ी मज़ा आता है यार। सो ये मेरे राइट पे जो आप देख रहे हो भाई, ये है सेक्टर 17 की मार्केट, और यहाँ अंदर जो है भाई सारे सारे के सारे जो है वो शोरूम्स ही शोरूम्स है। पहले ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, उसके बाद जो है एलेंटे मॉल आ गया चंडीगढ़ में और सारे ब्रांड्स जो है वो वहाँ चले गए। यहाँ पे भी सारे ब्रांड्स है बट वहाँ पे ज़्यादा हाइप बन गई थी जाने की, जैसे कि आपने गानों में भी सुना होगा एलेंटे मॉल का जिक्र ज़रूर काफ़ी गानों में हो रखा है। तो हुआ ये कि अब एलेंटे मॉल की हाइप जो है वो दोबारा थोड़ी कम होने शुरू हो चुकी है एंड सेक्टर 17 जो है वो दोबारा से पेस पकड़ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है ये मार्केट अब दोबारा से चलने लग गई है। बिकॉज मेन जैसे बोल लो कि फॉरेन का डाउनटाउन है ना, वैसे चंडीगढ़ की ये सेक्टर 17 की मार्केट है। एंड आई एम प्रीटी श्योर जो भी मेरा भाई अगर अलग अलग स्टेट से चंडीगढ़ में कभी आया है घूमने तो वह यहाँ सेक्टर 17 की मार्केट में ज़रूर आया होगा। और ये जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हो ये पूरा लगा हुआ है मेला, चंडीगढ़ का ट्रेड एक्सपो जो है वो लग रहा है यहाँ पे। सो ये काफ़ी बड़ा एक ये वो होता है मेला होता है, और अलग अलग जगहें हैं यार, जैसे सेक्टर 34 के ग्राउंड में होता है या 17 के ग्राउंड में अभी होने लगा, इससे पहले यहाँ पे नहीं होता था। देख लो भाई हाल, लड़कियों से बच के, स्पेशली मैं तो बच के रहता हूँ बट कभी कभी ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं जहाँ आपको ऑन द स्पॉट जान बचानी पड़ती है। भाई साहब दो सेकंड का खेल होता है ये देखो। अरे रे रे दीदी मारेगी क्या, मतलब सीधा जाना है, राइट मुड़ेगी है और घुसी हार रही है। वाह वाह रे वाह, लड़की मौज कर दी। तो यार एज यू कैन सी सब जगह ही जो है वो लाइट्स मैनुअल करी हुई हैं, काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिप्लॉयड हैं यहाँ पे हर एक जगह ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। बिकॉज एज यू नो दिवाली आ रही है तो काफ़ी सारे लोग जो है वो सड़कों पे निकले होते हैं शॉपिंग करने, कुछ ना कुछ लेने, इसलिए किसी भी तरह की ट्रैफिक को रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो इसलिए काफ़ी सारे जो हैं पुलिस ऑफिसर्स वो चंडीगढ़ में डिप्लॉयड हैं। और यार काफ़ी सारे लोग एक मिथ बना हुआ है चंडीगढ़ के बारे में कि अगर चंडीगढ़ आ रहे हो तो भाई आप तो फंसोगे ही फंसोगे और पुलिस जो है वो आपका चलान काटेगी या आपको परेशान करेगी, बट मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि एज़ यू कैन सी यार ये देखो भाई यहाँ पे ऑफिसर खड़े हैं, मैं बड़े आराम से जा रहा हूँ, अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं यार, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी गाड़ी के, अपने खुद का लाइसेंस है, तो मुझे किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। चंडीगढ़ पुलिस किसी को भी बेवजह परेशान नहीं करती, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हो तो बिल्कुल बेफिक्र हो के आओ, आपको कोई भी जो है यहाँ परेशान नहीं करेगा। और अगर आपको रोकते भी हैं यार तो कितनी बड़ी बात, आप अपने डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी जो चीज़ें वो दिखा दो एंड देल लेट यू गो। इट इज़ वेरी रूटीन चेकअप है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो चंडीगढ़ पुलिस आपको परेशान करेगी। मैं एक चीज़ बता दूं यार, मैं काफ़ी सारी स्टेट्स में ट्रैवल कर चुका हूं और सबसे ज़्यादा जो कोऑपरेटिव पुलिस मुझे अब तक लगी है वो लगी है चंडीगढ़ की। क्योंकि यहाँ की पुलिस का बड़ा सिंपल फंडा है यार, आप इनके सामने नखरे करोगे या इन्हें हवाबाजी करोगे इनके आगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप पोलाइटली रह के इनसे बात करोगे और आप अपनी जगह सही हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ये लोग आपको परेशान करेंगे। बाकी यार देखो पाँच छः उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, वैसी हर एक इंसान और हर एक लोग भी एक जैसे नहीं है, कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ लोग बुरे होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा किसी का बुरा रहा होगा। सो ये सब तो यार दुनिया का दस्तूर है जो चलता ही रहता है।
और ये थी सेक्टर 15 की मार्केट पूरी, मेरे लेफ्ट में ये 15 सेक्टर की मार्केट ही चल रही है। ये देखो ये देखो ये देखो, चमत्कारी जादूगर था भैया ये तो, जादूगर एकदम से मुड़ गया यार, बहुत ही प्यारा ड्रैग था। खाली सड़क मिलते ही ना, मतलब ये बाइक तो ऐसी है कि पागल सी हो जाती है। देखो भाई ये होते हैं बेवकूफ कुछ, इस बंदे ने जो है यहाँ पे अभी कागज फेंक दिए, और इनकी शक्ल देख लो जरा अगर दिख रही है, चंडीगढ़ नंबर गाड़ी में चले हुए हैं, बट अकल नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है यार। अब आप देखो ये इतनी खूबसूरत शहर है, कोई भी जगह हो यार, बेशक कोई सी भी जगह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हर एक की जो सिटी है अपना, आफ्टर ऑल रहना तो यही है यार। जहाँ पे भी आप इंडिया में ये गंद पा रहे हो, इस समझदार बंदे से कोई पूछने वाला हो, ये ड्राइवर लेके गाड़ी में घूम रहा है कि तू पढ़ा लिखा हो गया यार, ये काम कर रहा है। पता नहीं भाइयों क्या लोगों का दिमाग में बुद्धि भ्रष्ट है, सब पढ़े लिखे होने के बाद भी जो है बनते अपने आप में सब जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। मतलब जितने चेहरे उतने नज़रिए, वो वाली बात है, जिससे पूछ लोगे सब अपने आप में बनेंगे फन्ने खां। और अगर रियलिटी देखो तो ये रियलिटी थी भाई, उठा के मारे कागज बाहर और ये देखो यार सेक्टर 35 में ना ये फ्लावर्स और ये सब की बहुत क्रेजी शॉप्स हैं। मतलब ये पूरी रो ही जो है ये फ्लावर्स और डेकोरेशन के चीज़ों की है। तो अगर किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ 35 में आ सकते हो और यहाँ से ये सब जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं, फ्लावर्स हैं, या कोई भी चीज़ें जो आपको पसंद आए वो ले सकते हो। तो ये देखो भाई गाड़ी वाले को आ चुका है जोश, क्रेटा वाला आ चुका है पूरे जोश में, और इससे मैं थोड़ा पीछे रहूँगा, बिकॉज ये भाई जो है लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा या करवाएगा। आपको स्ट्रीट्स पे ऐसे से नए नए नमूने और जोकर देखने को मिलते हैं ना, बाई गॉड एंटरटेनमेंट तो आपका ऐसे ही हो जाए। देखो भाई लेफ्ट में मेरे ये है 34 सेक्टर का मेला, जो मैं आपको पहले बता रहा था ना वीडियो में कि सेक्टर 17 में इस बार फर्स्ट टाइम लगा है। तो ये है यूजुअली 34 में, ये दो ग्राउंड है, एक तो पीछे जो लगा हुआ था वो, और एक ये जो अभी आपको लेफ्ट में मेरे ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे भी जो है मेला लगता है यूजुअली, बट इस बार इन्होंने इस ग्राउंड को छोड़ के वो पीछे वाले ग्राउंड में किया है, आई डोंट नो व्हाई। ये देखो है ना कलाकार, कि तू भाई मुड़ा इतनी तेज, ब्रेकें क्यों मार के बैठ गया, अब बताओ क्या कहोगे ऐसे घूंचुओं को। मेरे को तो भाई घूंचू ही वर्ड समझ में आता है ऐसे लोगों के लिए अब भाई ने एंट्री तो पूरी अक्षय कुमार स्टाइल में मारी थी फुल तेज, बट उसके बाद जो है ठंडा पड़ गया थोड़ा सा। ये वीडियो देख लो यार बिल्कुल अनकट चल रही है, मतलब मिनिमम कट लिए हैं, वो भी मैंने कट इसलिए लिए हैं बिकॉज एक वीडियो बहुत लंबी हो जाए ना, और मैं शूट करता हूँ Insta360 पे, तो एक वीडियो अगर कंटिन्यूस बहुत लंबी बना दूँ ना भाई, उसे एडिट करने में मतलब पसीने छूट जाते हैं,
जो भी मेरा भाई इंस्टा 360 यूज़ करता है उससे पूछ के देखो। और मैंने तो ऐसा मतलब कहते हैं ना पंगा खुद लिया है कि कुल्हाड़ी पे खुद पैर मारा है, बिकॉज अभी तक यार कोई भी इंस्टा 360 के साथ जो है वो व्लॉगिंग सेटअप बना के ट्राई नहीं कर रहा था। सो ये आई थिंक कि मैंने ही फर्स्ट टाइम किया है कि मैं इंस्टा 360 को जो है वो एज अ व्लॉगिंग सेटअप बना के यूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज यार होता क्या है, अगर GoPro हो ना तो भाई सिर्फ आगे का व्यू कैप्चर कर सकता है और आपको जो अपनी गर्दन है वो बहुत ज़्यादा मोड़नी पड़ती है इधर उधर का देखने के लिए। सो बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा इंस्टा 360 का कि ये जो है 360 डिग्री की वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है और हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भाई बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकता। हम जो है वो रोड के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, ना हम कैमरे को देखते हैं और ना अगर हमें कोई और आपको फ्रेम किसी और साइड का, मान लो ये लेफ्ट साइड की मार्केट दिखानी है या फिर आप मान लो ये मुझे राइट साइड के घर दिखाने हैं, तो मुझे अपनी गर्दन मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो गर्दन है वो मैं सीधी रोड पर ही रखूँगा एंड मैं जो है वो सारा अपना आसपास का जो है वो कवर कर सकता हूँ। और 360 से एक और फ़ायदा ये है यार कि जैसे अब ये देखो मेरे, मैंने ये फ्रेम जो है अपनी साइड कर लिया और अगर यही मुझे GoPro या किसी और एक्शन कैमरा में करना हो तो मुझे प्रॉबेबली 2 या 3 छोटे छोटे एक्शन कैमराज जो है वो लगाने पड़ेंगे। बट वो सब का पर्पस जो है वो मेरा एक ये इंस्टा 360 ही सॉल्व कर रहा है, तो इट इज़ गुड। और ये बाइक्स की जो मार्केट है ये पूरी गोल्ड की मार्केट है यार। ये जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हो यहाँ पे सारी जो है ये गोल्ड की शॉप्स हैं और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं तलवार, पीपी ज्वेलर, ये वो सब यहाँ पे हैं। ये देखो यार नई वाली थार, क्या ज़बरदस्त गाड़ी है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती यार, चलो सबकी सेलेक्टिव चॉइस है, इस चीज़ पर मैं कोर्ट नहीं करूँगा, बट मैं पर्सनल अपने व्यूज सिर्फ देना चाहूँगा। थार एज़ यू नो मैं भी ओन करता हूँ और मेरे पास पुराने वाली थार है और थार बेसिकली एक ऐसी गाड़ी है यार जो जिसका पर्पस था बनने का वो ये नहीं था कि आप लो प्रोफाइल टायर डलवा के घेड़िया मारो, उसका पर्पस ये था कि अगर आपको ओवर लैंडिंग करनी है, आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो, आपको ऑफ रोडिंग करनी है, आपको बेसिकली रफ़ यूज़ करना है तो उसके लिए वो गाड़ी थी। अब ये भाई जो है 20 इंच आजकल मैं देख रहा हूँ 22 इंच 24 इंच और एक ने तो कमाल कर दी 26 इंच भी डलवा दिया थार में, तो वो भाई चलो उनकी सिलेक्टिव चॉइस है, अच्छा लगता है नो डाउट देखने में। बट जो गाड़ी का पूरा पर्पस है, जिस चीज़ के लिए वो गाड़ी बनी है बेसिकली, आपने वही ख़त्म कर दिया तो उसका क्या फ़ायदा यार, जब गाड़ी का वजूद ही मिटा दोगे। अब ये गाड़ी बेसिकली फॉरेन में जो कहते हैं ना मॉल क्रॉलर बोलते हैं इन्हें। सो ऐसी जीप्स को जो है नाम दिया जाएगा मॉल क्रॉलर कि ये शॉपिंग मॉल और कॉलेज की गेड़ियाँ मारने के लिए सही है। बट अगर आप सोच रहे हो इसके यार रफ़ यूज़ करोगे या कहीं ले लद्दाख ये वो जाओगे, बहुत से लोग जाते भी हैं यार, बट वो वही बात है कि सामने कुआ है, कूद के देखना है कितना गहरा है तो भाई जिसको जाने का शौक है वो जाओ। तो अब आ चुकी है खाली सड़क, थोड़ी सी पावर चेक की जाए भूसा की। जो मज़ा आया ना, एंड एज यू सॉ भाई मैं थोड़ा सा ड्रैग लिया, बिल्कुल खाली सड़क थी। सो बहुत ही समझदारी से आप इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं चाहता तो मैं और ज़्यादा पुल कर सकता था, बट आई रियली डोंट यू नो विश टू पुल मोर, बिकॉज फिर वही बात है यार, ना मैंने राइडिंग गियर्स डाले हैं, मैंने सिर्फ अपने हेलमेट और शूज़ डाले हुए हैं। सो कोई फ़ायदा नहीं है यार, ऐसी छोटी सी मतलब गलती बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए राइड सेफ यार, मैं तो यही बोलूँगा। सोडी वेरा खुश हो गया साडा तो ऐसी है यार, छोटे छोटे बच्चों के साथ पंगे लेते रहना चाहिए। तो भाई साहब बड़े ही जबरदस्त मार रही है बाइक, बट मुझे श्योर नहीं है कैमरे में कैद कैसे हो रहे हैं, बाकी आज जाके चेक करूंगा कि आवाज कैसी आ रही है।
बस दुआ यही है कि आवाज़ जो है वो अच्छी आ रही हो। ये देखो घूंचू राम फोन पे लगे हुए हैं। अरे भैया जी इतना सामान लेके कहाँ जावत हो, हमका तो लग रहा तुमने ही दिवाली की सब शॉपिंग कर ली। सो अब रात को जो है ब्लिंकर्स चला लेते हैं भाई, क्योंकि दिवाली का टाइम है, कोई हमारा दिवाला ना बना दे। और ये देखो यार ये आ चुकी है सेक्टर 18 की मार्केट मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। ये बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, आपको घर का जितना भी या ऑफिस का कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए, लाइट्स चाहिए, बोर्ड चाहिए, स्विचेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो सब चीज़ें जो है आपको ये 18 की जो मार्केट है यहाँ पे मिलेगा। अरे वाह रे लड़के मौज कर दी। ये होते हैं सूर में, जिस दिन बेटे ऑनलाइन चलाने शुरू हो गए ना कैमरे वाले, उस दिन सबकी ये जितनी हीरोगिरी है ना आगे आगे खड़ने की, इतने महंगे चलान हो गए कि इन सबको ना नानी याद आ जाएगी, भाई गॉड बता रहा हूँ मैं। सो देखते जाओ तमाशा, आप एक बार नवंबर दिसंबर के बाद चलान ऑन हो दो फिर देखना। तो ये है जी सेक्टर 8, अभी फ़िलहाल मैं अंदर नहीं जा रहा सेक्टर 8 के, क्योंकि मुझे और भी थोड़े से काम है जिनके लिए मैं लेट हो रहा हूँ। सो वो आपको फिर किसी और वीडियो में दिखाएंगे सेक्टर 8। आज के लिए आई थिंक मैं आपको बहुत कुछ दिखा चुका हूँ, और पूरा सूरज था, पूरी डे लाइट थी जब हमने वीडियो बनानी शुरू करी थी, और अब जो है वो अंधेरा हो चुका है, और कहने को ही अंधेरा हुआ है यार। अभी टाइम तो 6:15 हुए हैं ऑलमोस्ट, एंड काफ़ी अमेजिंग दिन था यार, जो इतने दिनों से ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से राइड नहीं करी थी तो क्रेविंग हो रही थी बाइक चलाने की, तो वो जो क्रेविंग थी वो मिटाए हैं। और ये जो स्पेशली वेदर इतना सुहाना और प्यारा सा ठंडा ठंडा वेदर, विंटर्स की जो शुरुआत हुई है उसका जो है पूरा पूरा लुत्फ उठाए हैं। और अब जो है इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड, एंड फिर मिलेंगे आपको किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ गाइज़।